जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी फिजिक्स। ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। पहले वेलोसिटी क्या है जानेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानेंगे एंड कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स करेंगे नीट एंड जेई का, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू With respect to time. तो velocity क्या होता है? Rate of change of displacement और position with respect to time. मतलब suppose particle ये A position में है and यहाँ time क्या है? T equal to 0. Particle इसे straight line में move किया, B position आ गया, यहाँ T equal to क्या है? 3 second. तो ये क्या हो गया? Displacement हो गया A से B. ठीक है? तो velocity कैसे निकालेंगे? तो displacement by क्या है? Time. Displacement By क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, फर्स्ट देखें कि वेलोसिटी क्या है, स्कालर और वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ये जो टाइम है ये स्कालर है। तो वेक्टर को स्कालर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? मतलब वेलोसिटी का बोथ मैग्नीट्यूड है एंड डिरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है एंड डिरेक्शन भी है। अगर हम सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या कहलाएगा? वो स्पीड कहलाएगा। ठीक है, एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन ये वेलोसिटी का यूनिट देखेंगे। यूनिट पहले हम देखेंगे एसआई यूनिट, एसआई और आप एमकेएस भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। सीजीएस में क्या होगा? मीटर का सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर। टाइम का क्या है? सेकंड। ठीक है, अब ओके, देन देखें डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? एल वन। टाइम का कितना है? टी वन। हम क्या लिख सकते हैं? एल वन टी माइनस वन। ये जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही डायमेंशन ही बोल देते हैं, क्योंकि हमेशा वो डायमेंशनल फॉर्मूला बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए डायमेंशन बोलते हैं। नहीं तो ये एक्चुअली क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जीरो बाय टाइम कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? अगर इन वन डी मोशन। वन डी 1D मोशन मतलब क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो 1D मोशन में अगर पार्टिकल राइट में मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर पार्टिकल लेफ्ट में मूव कर रहा है तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इतना तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज
वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जनरली क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जनरली क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सपोज देखो ये है ए से बी, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट किए सपोज एस वन, फिर से डिस्प्लेसमेंट किए एस टू, फिर से डिस्प्लेसमेंट किए क्या एस थ्री। तो ए से बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो फास्ट डिस्प्लेसमेंट किए ए से, इसको ले लेते हैं सी, इसको लेते हैं डी। ए से सी डिस्प्लेसमेंट किए एस वन, टाइम लगा टी वन। सी से डी डिस्प्लेसमेंट किए एस टू, तो टाइम कितना लगा टी टू। डी से बी डिस्प्लेसमेंट किए एस थ्री, तो टाइम लगा कितना टी थ्री। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम मतलब ये एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अगर पार्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज करेगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इफ पार्टिकल चेंजेस वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट, देन तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। तो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को बी से डिनोट कर सकते हैं। तो यू प्लस बी बाय टू। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी में बॉडी मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी में बॉडी मोशन एंड करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। चलिए देखते हैं अब एक क्वेश्चन जो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन 2006 में आया था। एक कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर एंड टेकिंग 62.2 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, तो यहाँ एक सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं। परफेक्ट स्फीयर नहीं बना भाई, परफेक्ट स्फीयर, तो परफेक्ट सर्कुलर ट्रैक एक बना देंगे। तो परफेक्ट सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे, ओके चलेगा ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है? 100 मीटर। रेडियस क्या है? 100 मीटर। टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। तो यहां से स्टार्ट करेगा अगर मोशन, तो ऐसे से घूम के फिर ऐसे आएगा, तो टाइम कितना लगेगा? 62.8 सेकंड। तो इस सर्कुलर लैप के लिए क्या लगेगा? 62.8 सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। तो पहले क्या क्या डाटा दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? रेडियस दिया है 100 मीटर, टाइम कितना दिया है 62.8 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी पूछा है एंड एवरेज स्पीड पूछा है। तो थोड़ा ऑप्शन को मार्क कीजिए पहले, ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये पोजीशन को ए ले लेते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल ये ए पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है एंड फिर से आके ए पोजीशन में पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट
बाय टोटल टाइम। ठीक है, अगर पार्टिकल ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है फिर से ए पोजिशन को आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो बाय टोटल टाइम कितना है 62.8, तो कितना हो गया जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया जीरो। तो पहले क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी हो सकता है, ये सी हो सकता है, डी कैंसिल हो गया क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक, फिर देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से मोशन स्टार्ट किया फिर ऐसे 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 घूमते 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 फिर ए आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो कितना होगा 2 पाई आर बाय टाइम, तो 2 पाई का वैल्यू कितना है 3.14, रेडियस कितना दिया है 100 मीटर बाय टाइम कितना दिया है 62.8। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। थोड़ा कैलकुलेशन खुद देख लेना। ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड हो, ये सब कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, तो आप देख लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 एंड एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो एवरेज वेलोसिटी का, ये 1999 में आया था। ठीक है, तो अभी मेरे को 4 साल हुआ था, आपको कितना साल हुआ था थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर सी फिगर, तो फिगर आपके सामने है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो न्यूमेरिकल करने से पहले क्या क्या डाटा दिया गया है लिख देते हैं। इन 1 सेकेंड, तो सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम, तो टी दिया है 1 सेकेंड। पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सेमी सर्कल का रेडियस कितना दिया है 1 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पार्टिकल ए से बी ऐसे मूव करके आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए टू बी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस ये हो गया आर, ये हो गया आर, तो ये भी रेडियस आर हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, तो टाइम कितना है 2, तो 2, रेडियस कितना दिया है 1, तो टाइम कितना दिया है 1, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन इज ए कार कवर्स एवरी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 1/3 एट v2 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट 1/3 एट v3 मीटर पर सेकेंड। v3 इक्वल टू 3v1, v2 इक्वल टू 2v1 एंड v1 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो कार एपी डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो फर्स्ट 1/3 कितना वेलोसिटी में कवर किया, v1। ठीक है, सेकेंड 1/3 कितना वेलोसिटी में कवर किया, v2। लास्ट 1/3 कितना वेलोसिटी में कवर किया, v3। तो ये टोटल डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं 3x, तो 3x का 1/3 कितना होगा x, तो v1 वेलोसिटी में कवर किया, सेकेंड 1/3 भी x हो जाएगा, थर्ड लास्ट 1/3 भी x हो जाएगा।
फर्स्ट वन थर्ड को वी वन वेलोसिटी में कवर किया, सेकेंड वन थर्ड को वी टू वेलोसिटी में कवर किया, थर्ड वन थर्ड को वी थ्री वेलोसिटी में कवर किया। तो यहाँ क्या क्या डाटा दिया है, वी वन दिया है 11 मीटर पर सेकेंड, वी टू कितना दिया है 2V1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 11 × 2 22 मीटर पर सेकेंड। वी थ्री कितना दिया है 3V1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 11 × 3 33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स 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 आर कर सकते हैं, नहीं तो टोटल कितना लिए 3x। टोटल टाइम, तो टाइम तो दिया नहीं है तो फिर भी मैं डिनोट कर देता हूं T1 T2 T3। T1 + T2 + T3, और ये टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमको पता होना चाहिए V = S/T। तो T = कितना होगा S/V। तो हमको क्या दिया है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो टाइम को वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो T का कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो 3x को 3x रहने देंगे, ये T1 के जगह क्या डालेंगे, पहला डिस्टेंस कितना है, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है x, वेलोसिटी कितना है v1, तो ये कितना हो गया x/v1 प्लस, सेकंड कितना हो जाएगा x/v2, थर्ड कितना हो जाएगा x/v3। ठीक है, बोर्ड छोटा है तो इसलिए ऐसे मेहनत करना पड़ता है। देखिए ये कितना दिया है 3x, तो मैं क्या कितना कॉमन ले सकता हूँ यहां से x कॉमन लेना है x, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 x कैंसल हो गया, 3 v1 का वैल्यू दिया है 11 प्लस v2 का वैल्यू कितना निकला है 22, v3 का वैल्यू कितना है 33, तो इतना हो गया। तो आपको ये एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अभी देखेंगे इंस्टास्टानियस वेलोसिटी, इंस्टास्टानियस वेलोसिटी इंक थोड़ा कम हो गया लग रहा है, तो पहले इंक डाल देते हैं एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंस्टास्टानियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टास्टानियस वेलोसिटी, तो पहले इंक डाल लेते हैं, रुकिए थोड़ा। ओके इंक भी डाल के रखना चाहिए, कभी भी इंक खत्म हो जाता है, क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर से स्टार्ट करेंगे इंस्टास्टानियस वेलोसिटी। एक्चुअली इंस्टास्टानियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टास्टानियस वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी भाई चल जा भाई आट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी आट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज ऐसे जा रहे तो यहां से यहां जाने के लिए आपको लगा 60 मिनट। सपोज मैं आपको पूछ दूंगा कि ये जो 35 मिनट 31 सेकंड में कितना वेलोसिटी था, वो क्या है इंस्टास्टानियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टास्टानियस वेलोसिटी, तो V = क्या लिखेंगे dx/dt, dx/dt।
डी एक्स बाई डी टी। तो इसलिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आपको आता है तो मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा, व्हेयर टी इज टाइम, अल्फा बीटा गामा आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को लिखना पड़ेगा। क्या क्या डाटा दिया है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू कितना दिया है, अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा ठीक है प्लस गामा। तो क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। और क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ये पूछा। ठीक है, तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम पूछा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी स्टार्ट होगा तो तब कितना होगा, टाइम 0 होगा, एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ टाइम में पूछा है, तो हम क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो x के जगह यहाँ क्वेश्चन में s दिया है, तो हम लिखेंगे डी एस बाई डी टी। तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो d बाई डी टी इक्वल टू s का वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा टी क्यूब बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखूंगा क्या, जरूरत नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं डेरिवेटिव के ऊपर एक क्लास डाल दूंगा। कितना हो जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो पहले क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है, टाइम इक्वल टू 0। तो टाइम इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वेलोसिटी आर टी इक्वल टू 0 कितना होगा, देखो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, 0 को कोई भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो ये कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो उसके बाद क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कितना निकला है, 3 अल्फा, टी के जगह क्या डालेंगे, 2 का 2, तो 2 का स्क्वायर टी का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा, टी के जगह कितना डालेंगे, 2, तो कितना हो गया, 4 12 अल्फा 4 बीटा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी और एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन केजी मूविंग इन ए वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी, टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी। तो ये कर्नाटका नीट 2013 में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखो ये टी इक्वल टू कितना दिया है, अंडर रूट एक्स प्लस 3। क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी, वेलोसिटी इज 0। तो देखो जब वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी को 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टाइम। मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो देखिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी को 0 करने के लिए हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, टी माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, क्योंकि हमको पता है वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो ये रूट एक्स है, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हट जाएगा। तो ये कितना बन गया, एक्स इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो वी का फॉर्मूला कितना है,
dx by dt, तो ये कितना बन गया d by dt of t minus 3 का whole square, तो b कितना बन गया 2 whole into t minus 3, ठीक है। तो अभी क्या करना है, velocity को जीरो कर देना है, तो velocity को जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 whole into t minus 3 equal to 0, तो t equal to कितना हो जाएगा 3, t equal to कितना हो जाएगा 3। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी क्या करेंगे, ये जो टाइम के जगह क्या डाल देंगे 3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था x इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो t कितना निकला 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा पहले हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया एस एंड टाइम हो गया टी, तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ सेम होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैं इसको बी इंस्टा लिख देता हूं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम मत समझना भाई, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। तो डी एस से एस कैसे पाएंगे, तो एस डी एस को इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी एस का वैल्यू कितना है वी इंस्टेंटेनियस डी टी, तो लिमिट कितना होगा टी वन से टी टू, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो टू एस लिख सकते हैं, नहीं तो एस टू माइनस एस वन लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जेई 2021 में आया था, तो क्वेश्चन इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन गिवेन एज वी इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, व्हेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इज। अभी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका मन में ये चल रहा होगा, भाई ये क्या है, क्वेश्चन गलत दिया है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया है और यहाँ क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो वेलोसिटी दिया है मतलब तो डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहिए ना, तो डिस्टेंस कैसे पूछ दिया, नहीं भाई, जब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तभी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फॉर पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो क्या डाटा दिया गया है, b इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s निकालना है, हमको क्या पता है b इक्वल टू ds by dt, क्या पता है b इक्वल टू ds by dt, तो हम क्या लिख सकते हैं ds इक्वल टू v dt, ds इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v dt, तो ds कैसे मिलेगा, सॉरी ds से s कैसे मिलेगा, तो ds को इंटीग्रेशन करेंगे तो s मिलेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v dt। तो यहां क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, तो ये क्या दिया है dt मतलब टाइम है, तो लिमिट क्या दिया है 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, तो क्या पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, तो लिमिट क्या हो जाएगा 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, तो v का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा t प्लस बीटा, जगह नहीं होगा यहाँ, जगह नहीं होगा भाई, जगह बचाना इंपोर्टेंट है,
वन सेकेंड टू सेकेंड, तो बी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डीटी। क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए एस अल्फा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, बीटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बीटा टी क्यूब बाई थ्री, कितना है वन से टू, वन से अल्फा बाई टू लिमिट डाल दो, टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस, बीटा बाई थ्री लिमिट डाल दो, टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब, तो अल्फा बाई टू इंटू थ्री प्लस बीटा बाई थ्री सेवन, तो कितना बन गया थ्री अल्फा बाई टू प्लस सेवन बीटा बाई थ्री, दिस इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थ्री अल्फा बाई टू प्लस सेवन बीटा बाई थ्री। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ हम वेलोसिटी का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, वहां भी आप मेल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा एंड आप भी एंजॉय किए होंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।